जीवित पुत्रिका जीतिया व्रत 2023 6 अक्टूबर शुक्रवार नहाय खाय कब खुजितिया तिथि व्रत का पारण कब करें पूजा विधि मुहूर्त और नियम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, नहाय खाय और खुजितिया की तिथि और इस व्रत के नियम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जीतिया या ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं संतान की दीर्घायु और पुत्र प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, नहाय खाय व खुजितिया कब है और इस व्रत को कैसे किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 6 अक्टूबर प्रातःकाल 6:34 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर प्रातःकाल 8:08 पर। नहाय खाय की तिथि होगी 5 अक्टूबर। निर्जला व्रत और खुजितिया 6 अक्टूबर। व्रत का पारण 7 अक्टूबर को सूर्योदय होने के बाद किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत में कुशा से निर्मित जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन व्रती महिला को प्रातःकाल स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूतवाहन की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री और भोग अर्पित करें। सप्तमी तिथि को नहाय खाय के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत होती है। अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत के पारण के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का समापन होता है। जीतिया व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत महाभारत काल के समय से ही रखा जाता रहा है। जो महिलाएं इस व्रत को विधि पूर्वक रखती हैं और सही तरीके से नियमों का पालन करती हैं, तो उन्हें संतान शिफ और संतान की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। जीतिया व्रत के नियम। जीतिया व्रत 3 दिन तक चलता है। तीनों दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि नहाय खाय से लेकर पारण तक सात्विकता का ख्याल रखें। तामसिक चीजों का इस्तेमाल न करें। पहले दिन नहाय खाय के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन और जल ग्रहण कर लें, क्योंकि इस व्रत में सप्तमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। व्रत के दौरान संयम रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जीतिया का व्रत रखने के बाद इसे हर साल करना चाहिए। जीतिया व्रत को निर्जल करने की परंपरा है। जीतिया व्रत तीसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद ही खोलना चाहिए। इस व्रत में जीमूतवाहन भगवान की व्रत कथा सुनना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।